सकता है, वो वैसा बता रहा था। मैं भी शुरुआत किया हूं, बोले कि हमको भी बताओ। बोले कि मामा अभी तो शुरुआत किया हूं, हम आपको कहां से बता पाएंगे। अगर आपको जानना है तो अगर आप सेंटर में बुलाना चाहते हैं तो मामा आप हमको आधार कार्ड वगैरह दे दीजिए। एक फॉर्म अप्लाई होता है, बता रहा था लोग, फॉर्म अप्लाई होता है, मैं भी अप्लाई आपका करा दूंगा। अगर फॉर्म सेलेक्ट हो गया तो आपको मैं बताऊंगा। या आप मिलाना चाहते, वो लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। अगर इस धर उनका शेड्यूल बनता है, वो लोग बहुत बिजी तो है ही, इधर उनका शेड्यूल बनता है तो मैं आपको बताऊंगा एक दिन पहले कि वो इधर आएंगे ना, तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करके जरूर मामा मैं आपसे मिलवाने का प्रयास करूंगा। क्या करनी है, भूख जगानी है। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो बोलेंगे हाँ भांजा जरूर मिलवाना, फिर भी नहीं माने तब लास्ट में चलना है। मामा 20,000 से क्या होने वाला है या 40,000 से क्या होने वाला है बताइए ना। आज 40,000 में कोई औकात है? कभी कार आएगी? पूरी जिंदगी इसी बाइक पे, दहेज वाली बाइक पे बीतेगा आपका? मैं भी देख रहा हूं आपकी हालत। आज नाना नानी सही से सलामत से चल रहे हैं, आज कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या उनको अच्छे से इलाज दे पाएंगे? क्या बोलेंगे? बढ़िया से जितना निचोड़ना है निचोड़ते हैं, निचोड़िए। क्या बच्चे को लग रहा है कि सनबीम जैसे या दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूलों में कभी एडमिशन आप करा पाएंगे, जहां 15-20,000 रुपए की ऑलरेडी महीने की फीस है, दे पाएंगे? बोले नहीं। तो उनके बच्चे आज टीवी में डांस डांस ऐसे प्रोग्राम में उनके बच्चे जाएंगे, आपके बच्चे कभी नहीं जाएंगे। आप ताली बजाते हैं ना शाम को बैठ के टीवी के सामने, ताली बजाते हैं ना, बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा लगता है, कभी आपके बच्चे जाएंगे? कभी सोच रहे हैं? सोचो, आइए दो चार ठो एग्जाम्पल दीजिए उनके पास, उनको तैयार करिए, उनकी तड़प होनी चाहिए। ये ऐसा तड़प कौन सा काम है मेरे को भी बताओ। बोले कि बताएंगे, लेकिन अभी हमको जानकारी देने आता नहीं, जानकारी देने ही नहीं आता है। अगर आपको जानकारी देने भी आता है तो मन दीजिए उस समय, उस समय उनके अंदर भूख पैदा करिए। वो कई बार आपको फोन करते हैं, इससे डिसाइड होगा कि उनके अंदर भूख बढ़ी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं और अपने लोगों को ना जाके कहां चले जाते हैं, दूसरे लोगों में। मत गलती करिए, क्योंकि आप, मैं बता दे रहा हूं आगे लिस्ट के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन ये महंगाई का सर्वे भी आसानी से आप चलते फिरते दे सकते हैं, ये कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर लोगों को लगता है कि नहीं मैं संतुष्ट हूं तो वहां पे ये बता सकते हैं, बोलिए भाई साहब ये मेरा ही नहीं है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का 2020 विजन, उन्होंने एक बुक लिखा हुआ है, उस बुक में ये चीजें मेंशन है, आप ये चीजें जरूर देख लीजिए, सही रहेगा। आप बता सकते हैं उनका नाम पे, क्योंकि मेरे को भी कोई बताया गया था और मैं भी इस चीजों को देखा हूं कि सच में ये है। अगर यहां तक सही है तो आगे भी सही रहेगा, ये जरूर बताइएगा ये। लेकिन हमको चाहिए कितने लोग, दो लोगों का हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग कोशिश करें कि हम लोग पहले शुरुआत करें अपने लोगों से, क्योंकि अपने लोगों को डबल फायदा तुरंत हम लोग देते हैं। पहला, हम लोगों का काम क्या होता है, हेल्थ पे, हेल्थ का काम है ना, तब पहले हम लोग अपने घर वालों को ठीक करना चाहेंगे कि पड़ोसी को, घर वालों को, तो पहले हम लोग रिलेशन वाले को ठीक करना चाहेंगे कि गांव वालों को, यही है ना। लेकिन हम लोग जबरदस्ती भी सही, हम तो साफ साफ कहीं भी मैं बोलता हूं कि दो लोगों से तो हमारा अधिकार है, अगर मेरी शादी हुई है तो साला है, अगर बहन है तो जीजा भी है, अगर साला नहीं जुड़े तो साहब अपनी बहन को ले जा, और जीजा ना जुड़े तो बहन चल ये तेरे लायक है ही नहीं। दो जगह तो अधिकार हम दिखा सकते हैं, नहीं तो साहब बोले भाई साला का साला, साला का साला, तो साला का साला, कोनो साला बचेगा नहीं, कोनो साला बचेगा। बात है, ये हम काम कर सकते हैं, जीजा का जीजा, जीजा का जीजा, जीजा का जीजा, जीजा का जीजा, तो कोनो जीजा बचेगा, आसानी से आ जाएगा। साला दो ही लोगों की तो जरूरत है ना, SGO और SAO। एक लोग ऐसे ही मैं बताया था, बोले भाई साहब सर हमारा साला ही ना हो तो, बोले साला
गांव का तो सारा बिठा ही जाएगा। तेरा नहीं होगा।